प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन वो 77 वर्षीय बूढ़े हैं। दोस्तों अभी अमेरिका के इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर 3 को और ये बहुत बड़े इलेक्शन माने जाते हैं क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और इसके अंदर जो भी सरकार बनेगी उससे काफी ज्यादा कंट्री डिपेंडेंट है क्योंकि यूएस का काफी सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है और काफी सारी कंट्रीज के साथ इसका राइवलरी भी है। अमेरिका के इलेक्शन और ज्यादा कंट्री से ज्यादा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि चाइना के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है इस समय, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो, हर जगह वहां पे टेंशन चल रही है और एक यूएस ही है जो इंडिया का सपोर्ट कर सकता है इस चीज के अंदर। यूएस भी चाइना के अगेंस्ट है इसलिए हमारे लिए यूएस का इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम ये सारी एक सीरीज के अंदर लेंगे, पूरा अमेरिका के इलेक्शन हम कवर करेंगे एक सीरीज के अंदर, वीडियो सीरीज के अंदर। अमेरिका के इलेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट की पोस्ट तो इंपॉर्टेंट होती है और मार्च के अंदर जोस बिडेन का नाम अनाउंस कर दिया गया था डेमोक्रेटिक की तरफ से कि डेमोक्रेटिक पार्टी से जोस बिडेन लड़ेंगे, लेकिन जोस बिडेन ने अभी अनाउंस किया है कि कमला देवी हैरिस का पूरा नाम है, ये इलेक्शन लड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से। कमला देवी हैरिस एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इनके बारे में हम पूरी बात करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है अनुज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कमला देवी हैरिस ओकलैंड में जन्म हुआ था इनका और ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है क्योंकि इनके पिताजी जमैका से थे जो कि माइग्रेंट होकर अमेरिका के अंदर आ गए और इनकी माताजी श्यामला देवी जो कि चेन्नई से थी जो कि अमेरिका के अंदर अब रहती है, इनके अमेरिका की सिटीजनशिप है। दोस्तों कमला देवी हैरिस ने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से और इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कम्प्लीट की हेस्टिंग कॉलेज ऑफ लॉ से जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर है। दोस्तों वर्ष 2010 के अंदर कमला देवी हैरिस पहली ब्लैक वुमेन बनी अमेरिका की जिन्होंने अटोर्नी जनरल का पद ग्रहण किया। वर्ष 2017 के अंदर कमला देवी हैरिस पहली ब्लैक इंडियन अमेरिकन वुमेन बनी जिन्होंने यूएस सेनेटर का पद जीता। दोस्तों यूएस के अंदर सेनेटर का पद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बहुत ज्यादा गरिमा होती है, ये माइनॉरिटी जो राइट्स जो माइनॉरिटी होती है जैसे हमारे यहाँ पे मुस्लिमों की माइनॉरिटी है और कुछ भी कम्युनिटी उनकी माइनॉरिटी है तो वहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस सेनेटर का पद वहाँ पे होता है और ये दो पद होते हैं जिसके अंदर एक कमला देवी हैरिस थी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिनको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर जरूर दबा दें ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूं, जब भी आप कभी ऐसे भूल जाए कि मैं कब वीडियो डालता हूं तो आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जरूर मिल जाए। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जो बिडेन जो कि 77 वर्षीय हैं उन्होंने मार्च के अंदर बताया था कि वो जो भी अपना काउंटर पार्ट जो भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनेंगे वो उनसे उम्र में छोटा होगा। जो बिडेन के पास में बहुत सारे ऑप्शन थे कमला देवी हैरिस के अलावा जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस थे, ज्यादा एजुकेटेड थे, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स का, लेकिन वो अनाउंस करते उससे पहले जॉर्ज फ्लॉयड वाला किस्सा हो गया जिन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। जॉर्ज फ्लॉयड की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, उसके बारे में आप देख लीजिए। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद में अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा कैंपेन चला जिसका नाम था ब्लैक लाइव मैटर। आपको मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए कि जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलता है हमेशा इंडिया के अंदर, वैसे ही अमेरिका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक और व्हाइट के बीच में और वहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड की जिस तरह मौत हुई थी उसके बाद में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी ब्लैक लाइव्स मैटर ने पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों ट्रंप के बयानों ने काफी ज्यादा लोगों को इनसिक्योर कर दिया, जो ब्लैक कम्युनिटी है वहां की काफी ज्यादा उनको इनसिक्योर कर दिया उनके फ्यूचर को लेकर। इसीलिए जो बिडेन ने कमला देवी हैरिस को एक उम्मीदवार चुना वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्योंकि एक तो वो माइनॉरिटी के राइट्स के लिए पहले भी लड़ चुकी है सेनेट के तौर पर, उनको माइनॉरिटी का ध्यान रखना पड़ता है और दोस्तों वो एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन भी है तो जिससे लोगों का उन पर ट्रस्ट बना रहेगा, जो ब्लैक लाइव्स वो अनसिक्योर नहीं होंगी कि उनके आगे का फ्यूचर की क्या होगा। इसीलिए जो बिडेन ने काफी अच्छा कदम उठाया है कमला देवी हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे उम्मीदवार बना के। दोस्तों अगर हम देखें इस चीज को कि हैरिस इंडिया के लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं बता देता हूँ आपको, हैरिस इस समय इंडिया के काफी सारे मुद्दों को सपोर्ट कर रही है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो ज्यादातर इमिग्रेंट है अमेरिका के अंदर वो इंडिया से रूट है उनकी, तो काफी सारे वोट्स इंडियंस के भी हैं वहां पर। तो अगर हम कमला देवी हैरिस की बात कर लें कि वो इनका इंडिया के साथ क्या रिलेशन रहेगा, उनका क्या फ्यूचर उनका क्या रहेगा इंडिया के साथ, वो इंडिया के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे बुरा बर्ताव, क्या वो इंडिया के प्रति ज्यादा सपोर्टिव होंगी कि नहीं होंगी, तो हम बता देते हैं। अभी जो बिडेन के साथ उन्होंने कहा था कि इंडिया के जो भी बायलेटरल इश्यूज है आप समझ रहे पाकिस्तान इंडिया चाइना, तो वो हम सोल्व करने में उनकी मदद करेंगे, हम इंडिया की मदद करेंगे। लेकिन आपको बता देता हूँ कि कमला देवी हैरिस वही महिला है
जिन्होंने ये कहा था कि जब हमने एब्रोकेट किया था आर्टिकल 370 तो उन्होंने ही वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ये कहा था कि हम देख रहे हैं सारी स्थिति, हम देख रहे हैं जो इंडिया कर रही है मुसलमानों के साथ वो गलत है। तो हमारी क्या है कि इंडियंस की हमेशा से यही दिक्कत रही कि जब भी हम कोई देख लेते हैं इंसान जो जिसका भी जन्म इंडिया से, जिसका कोई लिंक इंडिया से है, तो हम उसके पीछे ऐसे हो जाते हैं कि यार यही बेस्ट है। जैसे हम सुनीता विलियम्स के पीछे होते हैं, सुनीता विलियम्स जब चांद पे गई थी हमने कहा था हम इंडियंस बॉय बहुत ज्यादा प्राउड है, वैसे ही कमला देवी हैरिस के साथ भी हो रहा है। जब कमला देवी हैरिस ने अनाउंस किया कि वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ी हो रही है, तब सब इंडियंस कहा कि बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि चेन्नई के अंदर पोस्टर लगा रहे हैं विक्ट्री विक्ट्री। लेकिन आप उनको सही ढंग से देखो तो आप वो किसी के भी साथ नहीं है। आप वो देख रहे हो मुसलमानों के, वो कह रहे हैं कि जब तक इंडिया के अंदर मुसलमान हिंदू के दंगे चलते रहेंगे इंडिया कभी नहीं बढ़ेगा। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस चीज पे हम ये देख लें कि वो इंडिया से लिंक करती तो वो इंडिया का सपोर्ट करेगी, हम इस चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। ये दोस्तों मेरा ओपिनियन है। बाकी हम बात करें अमेरिकन पॉलिटिक्स की तो ये पूरी सीरीज चलेगी मेरी वीडियो की, तो हम अगला प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में वीडियो बनाएंगे जो कभी भी आ सकता है। हो सकता है इसी फ्राइडे आ जाए, तो हो सकता है कि वो अगले ट्यूसडे को आ जाए, वो कभी भी आ सकता है। तो हम ये पूरी सीरीज में इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए, जैसे राजस्थान पॉलिटिक्स का टॉपिक चला था तो सारी मेरी वीडियो एक प्लेलिस्ट बना ली उनकी और वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसकी भी आपकी काफ़ी सारी 3-4 टाइप की वीडियो बनेगी, हम उससे सारे बात करेंगे अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए यार, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए इसी चैनल को। हर ट्यूजडे और फ्राइडे को 4:15 पर वीडियो आती है, तब तक के लिए धन्यवाद।